भारतीय रेलवे में हर साल अलग अलग विभागों में लाखों की संख्या में नौकरी के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे का नेटवर्क 1,16,000 किलोमीटर लंबा है। कोई 15,000 रेलगाड़ियाँ इस नेटवर्क पर रोज दौड़ती है। इस नेटवर्क पर 6,000 से ज़्यादा स्टेशन हैं। करीब 2 करोड़ लोग रोज रेलगाड़ियों के माध्यम से इधर से उधर आवागमन करते हैं। ऐसे में इसके रख रखाव और सुचारू रूप से चलाने के लिए काफ़ी संख्या में रेलवे को कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ती है। यही कारण है कि हर साल रेलवे में भर्तियां निकाली जाती हैं। यदि आप भी रेलवे में सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो अपनी क्वालिफिकेशन के अनुसार पोस्ट डिवाइड रहता है। आप इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय रेलवे में 4 ग्रुप डिवाइडेड रहता है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एवं ग्रुप डी। आप अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इन 4 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप के लिए आवेदन कर सकते हैं। किस पद के लिए किस तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और एज लिमिट क्या होती है, इसके बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही यह भी बताएंगे कि आप आवेदन कैसे कर सकेंगे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रेलवे में भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएशन, मेडिकल डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री है तो आप रेलवे में अलग-अलग ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। ग्रुप ए की बात करें, सरकारी नौकरी रेलवे में अलग अलग ग्रुप की बात करें तो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट ऑफिसर के रैंक में आते हैं। ग्रुप ए की भर्ती यूपीएससी के माध्यम से लिया जाता है, जिसमें सिविल सर्विस एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, कंबाइंड मेडिकल एग्जाम देना पड़ता है। यह एग्जाम रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं करवाया जाता है, बल्कि यूपीएससी के द्वारा भर्ती करवाया जाता है। इसका विशेष ध्यान रखें। यदि आप ग्रुप ए में ऑफिसर के रैंक पर भर्ती होना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन इंजीनियरिंग, एमबीबीएस, एसएससी या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप ग्रुप ए के लिए एलिजिबल होंगे। आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। ग्रुप ए के पोस्ट के लिए आपको सैलरी बहुत अच्छी दी जाती है, क्योंकि यह हाई लेवल पोस्ट होता है। इसमें आईएएस, आईपीएस टाइप से भर्ती ली जाती है, इसलिए वेतन करीब 1 लाख रुपए तक दी जाती है। इसमें आपको प्रमोशन भी जल्दी मिल जाता है, करीब 2 सालों में आपको प्रमोशन मिल जाता है। यदि आप ग्रुप ए के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं और ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे में ग्रुप ए के लिए सरकारी नौकरी की बात करें तो सरकारी नौकरी रेलवे 2021 ग्रुप ए के अंतर्गत 3 डिपार्टमेंट होते हैं। इसमें पहला प्रशासनिक क्षेत्र, दूसरा तकनीकी क्षेत्र और तीसरा चिकित्सकीय क्षेत्र। इन तीनों के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग होती है। आप अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार किसी एक डिपार्टमेंट को चुन सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप प्रशासनिक क्षेत्र में जाने के लिए एलिजिबल होंगे। वही यदि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है तो आप तकनीकी क्षेत्र में जा सकते हैं, और यदि मेडिकल डिग्री एमबीबीएस की पढ़ाई की है तो आप चिकित्सा क्षेत्र में आने वाले डिपार्टमेंट पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप ए की भर्ती, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ली जाती है। इसके द्वारा 3 प्रकार के एग्जाम लिए जाते हैं। पहला सिविल सर्विस एग्जाम, दूसरा इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम और तीसरा मेडिकल सर्विस एग्जाम शामिल है। ये सभी एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। इसका आप विशेष ध्यान रखें। सिविल सर्विस एग्जाम, सिविल सर्विस एग्जाम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों की बात करें तो आपको रेलवे ग्रुप ए में कई प्रकार की पोस्ट रहती है। जैसे इसमें इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस के लिए पोस्ट रहता है। इसके अलावा दूसरा है इंडियन रेलवे अकाउंट, इंडियन रेलवे अकाउंट के लिए एक दूसरा पोस्ट होता है। तीसरा होता है इंडियन रिपब्लिक सर्विस,
और चौथा होता है इसमें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। जी हाँ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ये सब जितने भी चारों हमने बताया, इन सारे पोस्ट के लिए आप अलग अलग समय पे इसके लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इन सभी पदों के लिए आवेदन करने के लिए एलिजिबल होंगे। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम, दोस्तों यदि आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम इसके बारे में बता दें। इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम के अंतर्गत आने वाले विभिन्न पदों की बात करें तो आपको रेलवे ग्रुप ए में 5 प्रकार की पोस्ट दी जाती है। इसमें है, पहला आता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इंजीनियर्स। दूसरा आता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल। तीसरा आता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल, इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ मैकेनिकल, ये तीसरा आता है। चौथा आता है इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और पांचवा आता है इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस पद के लिए अलग अलग समय पे वैकेंसी निकाली जाती है। यदि आप इन पांचों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली है तो इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए यूपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। इंडियन मेडिकल सर्विस एग्ज़ाम के अंतर्गत इंडियन रेलवे में मेडिकल सर्विस यानी डॉक्टर के पोस्ट के लिए यूपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। यदि आपने एमबीबीएस की पढ़ाई की है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप इसमें बहुत सारे पोस्ट होते हैं, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस, जी हाँ दोस्तों, इंडियन रेलवे मेडिकल सर्विस पोस्ट के लिए आप भर्ती हो सकते हैं। इस पोस्ट के लिए आपको मेडिकल टेस्ट देना होता है। तो दोस्तों, आज हमने इंडियन रेलवे ग्रुप ए से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन दिया, आशा है आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।